हेलो एवरीबॉडी, आई एम रेणुका बडोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डूइंग सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन साइंस। सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, इट्स 8 प्लैनेट एंड अदर सेलेस्ट्रियल बॉडी लाइक कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स एक्सेट्रा। वी आर डिस्कसिंग सन एंड इट्स 8 प्लैनेट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग सन। सन क्या है? सन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, राइट? इट प्रोवाइडेड अस हीट एज वेल एज लाइट बिकॉज इट इज अ ल्यूमिनस बॉडी। ये एक ल्यूमिनस बॉडी है और इसी वजह से लाइट और हीट प्रोवाइड करती है हमें। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट इज फर्स्ट मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड एट लास्ट एट्थ प्लैनेट इज नेपच्यून। फर्स्ट वी आर टेकिंग मरकरी। मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अवर सोलर सिस्टम एंड इट इज फास्टेस्ट प्लैनेट। It takes only 88 days to complete one revolution and it has no moon. कोई इसका अपना satellite नहीं होता है। Second is Venus. Venus is the hottest planet of the solar system. It is also called morning star or evening star because we can easily see Venus in the early morning and late evening. ठीक है? और ये सभी अदर प्लैनेट्स से, जितने भी अलग और प्लैनेट्स हैं उनसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ऑन इट्स एक्सिस। इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, जबकि बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। नाउ थर्ड इज अर्थ। अर्थ जो है इट इज़ अवर होम प्लैनेट एंड इट इज़ यूनिक प्लैनेट बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड अ थिक एटमोसफेयर, राइट? इट इज़ अ ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज जब हम ऊपर से देखते हैं तो इट्स कलर इज ब्लू बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? नाउ फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश कलर। इट हैज़ टू मून्स एंड दिस प्लैनेट ऑल्सो हैज़ थिन एटमोसफेयर। दीज फोर प्लैनेट्स, फर्स्ट फोर प्लैनेट्स, फर्स्ट मरकरी, सेकेंड वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स और हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कह सकते हैं और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थ लाइक प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड सिमिलैरिटी टू द अर्थ। ये बने होते हैं आयरन से एंड रॉक से, सो दीज आर कॉल्ड रॉकी प्लैनेट्स एंड देयर साइज इज स्मॉल। इनका साइज छोटा होता है एंड दे हैव या तो इनके कोई मून नेचुरल सैटेलाइट जो हैं, मून मीन्स नेचुरल सैटेलाइट होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो एक या दो होते हैं, जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है एंड मार्स हैज़ टू मून्स। नाउ द नेक्स्ट फोर प्लैनेट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। दीज आर जाइंट्स प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज and these are made up of helium and hydrogen gas. Their composition is just like the sun. इनकी sun की तरह composition है and their density is very less, right? Now we are taking fifth planet of our solar system, that is Jupiter. It is the largest planet, सबसे तेज largest planet है and it has a large number of satellites. It has faint ring system and it is bright planet. Now sixth is Saturn. Saturn is the unique planet because it has beautiful ring system and we can easily see these ring system with the telescope. It is the least dense planet and इसकी जो density है वो इतनी कम है water से भी कम, right? Now seventh Uranus and eighth Neptune. These are the outermost planet of our solar system. यूरेनस की एक स्पेशलिटी ये है कि ये अपने एक्सिस पे बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है, तो जब ये सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है तो इट्स लुक लाइक रोलिंग, कि ये रोल कर रहा है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।